वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकृति और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई से याद आया, आप लोगों को जो क्वेश्चन दी जा रही है आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना वीडियोस के बाद वाला? ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर के उसको सॉल्व करो, क्योंकि खुद को एनालाइज करना, टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो प्लीज जाकर के उसको सॉल्व करें। और नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रही है, इफ साइन बी इज इक्वल टू 1/2 शो दैट 3 कॉस बी माइनस 4 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। मेरे सामने बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो हंस रहे हैं, बोल रहे क्या दीदी क्या क्वेश्चन दे दिए स्टार्टिंग में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक क्वेश्चन से ही हम शुरू करेंगे और आगे फिर धीरे धीरे उसको एडवांस लेवल पे लेकर के जाएंगे। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ये मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। साइन बी इज इक्वल टू वैल्यू कितना, 1/2। पहले हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। अगर साइन बी का वैल्यू गिवन है तो दैट मींस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप लोग बताओ, पी बाई एच होता है ना, हमने पढ़ रखा है, तो यहां पर मैं लिखू पी बाई एच। परपेंडिकुलर इज हाउ मच, 1 एंड एच इज 2। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज 2। अब हमें बचा क्या है, थर्ड साइड फाइंड करो आप लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहां से 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और ये हम डायरेक्टली अब यहां लेकर के आ जा रहे हैं, -1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कैलकुलेशन प्लीज अपने दिमाग में अब आप लोग करो, हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं और यहाँ वीडियोस में भी सॉल्व किए, तो कैलकुलेशन कुछ हद तक अपने माइंड में करो आप लोग। 4 माइनस 1 इज 3 और बी स्क्वायर है, दैट मीन्स अगर ये स्क्वायर घटेगा तो 3 के ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा। इतनी चीजें तो क्लियर है आप लोगों को। चलो, तो बी का वैल्यू कितना, √3। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस बी कॉस स्क्वायर बी वैल्यू कितना आया है, √3। ठीक है, बस यहां पर मैं √3 हम प्लॉट करेंगे। अब बस जो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर उसको हम लिख लेंगे। कॉस बी पोजिशन क्या होगा, बी पोजिशन से फाइंड करना है। कॉस का फॉर्मूला हमें पता है, बी बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस इज वॉट अकॉर्डिंग टू दिस पोजिशन, बेस क्या बनेगा, √3 बनेगा और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में प्लॉट कर दो इस वैल्यू को, 3 कॉस बी माइनस 4 कॉस क्यूब बी। 3 कॉस क्यूब का वैल्यू कितना, √3/2 माइनस 4 √3/2 होल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू कितना निकल करके आएगी, 3√3/2 माइनस 4, ये √3 × √3 × √3। ठीक है, तो √3 × √3 इज 3 और ये √3, 4.3√3 और 2 का भी क्यूब है, दैट मीन्स 2 × 4, 4 × 2 = 8। यहां कैंसिल आउट करो 1, ये होगा 2, 3√3/2 माइनस 3√3/2। और यहां पर मैं अगर हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में आएगा 2, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है, और 3√3 माइनस 3√3 विच इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS अगर 0 है तो RHS का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0, और यही हमें प्रूफ करना था। नोट डाउन कर लो अपने अपने नोटबुक में आप लोग। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है,
क्वेश्चन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा. ठीक है, और मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो लोग कह रहे हैं अभी ठीक करके देते हैं, इतना उनको इजी लग रहा है. चलो आप लोग भी सॉल्व करो. तो cot थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 7/8. दैट मींस पहले बताओ फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा का. b by p होता है. ठीक है, तो b कितना 7 और p कितना 8. बस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और फाइंड करो. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49. This is equal to 113 h का स्क्वायर है ना. हमें फाइंड क्या करना है h, दैट मीन्स अगर h का स्क्वायर हटाएंगे तो यहां आएगा रूट. ठीक, इतनी चीजें क्लियर. अब बचा क्या है, साइन थीटा लगा लो. साइन थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देती हूँ रूट 113. साइन थीटा इज p by h, p इज 8 एंड h इज रूट अंडर 113. cos theta b by h, b is 7, 7 by root under 113. बस वैल्यू पुट कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन में. सेम बस क्वेश्चन लिखा है. ठीक है, बस वैल्यू जो हमने यहां फाइंड किया ना उसको इसमें प्लॉट करेंगे. 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना 8 बाय अंडर रूट 113. देखो सबसे पहले इसको प्लॉट करने से वैल्यू पुट करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं. यहां a प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे साइड क्या है 1 माइनस साइन थीटा. मतलब हम यहां से क्या समझ सकते हैं, एक है a प्लस b और दूसरा है a माइनस बी. करेक्ट, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ओके, तो यहां a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना साइन थीटा. बस आप इसको यहां पुट कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का अगर हम स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1. तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन का स्क्वायर, वो तो हमें लिखना पड़ेगा बाय. डिनोमिनेटर में भी हमें वही चीज दिख रही है 1 प्लस cos थीटा और दूसरे साइड क्या है मल्टीप्लाई में 1 माइनस cos थीटा. दैट मींस a प्लस b और a माइनस b 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, सेम ही चीज है, सेम फॉर्मूला वी हैव यूज्ड. माइनस साइन स्क्वायर दैट मींस 8 बाय अंडर रूट 113 का क्या होगा स्क्वायर होगा, और 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा. ठीक है, क्लियर है, कुछ हमने किया है क्या अभी तक, और जो कुछ भी किया है वो सब कुछ समझ में आ रही है. 1 माइनस 8 का स्क्वायर है 64 बाय 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 बाय 113. अब मुझसे मत पूछना 113 कैसे लिख दिया आपने. रूट 113 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट 113 इनटू अंडर रूट 113 इज व्हाट, सिंपल 113. तो बस डायरेक्टली मैंने लिख दिया. अब इससे भी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहां से 1 हटाएंगे 113 और इस पूरे डिनोमिनेटर को हम कर देंगे 113. यहां से भी हम 113 हटा करके. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको. यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. वैल्यूज बताओ कितनी आएगी 113 माइनस 64, फटाफट से बताओ. 49 बाय 64. ठीक है, ये वैल्यू आएगी. तो यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. Write down in your notebook. Don't forget to write and also take a screenshot. Take. Second part is question में क्या है?
cot square theta, इसका value हमें find करना है, तो cot theta already question में दिया हुआ है, कितना, cot theta is equal to 7/8, अगर हमें बोल देगा इसका square करने, तो क्या हम नहीं find कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर ये square है, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, square हो जाएगा, that means 7 7s are 49, और 8 8s are कितना, 64, very simple, ठीक है, हलवा question, take a screenshot. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 शो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 3/5 तो इस क्वेश्चन में करना क्या है अगेन LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है LHS जो भी वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा RHS दैट मींस 3/5 होगी हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे उसके बाद कुछ भी चलो ये ट्राइंगल हमने बना लिया और cot theta is equal to क्या फॉर्मूला होता है b by p तो b का वैल्यू कितना 1 और p का कितना √3 थर्ड साइड फाइंड कर लो आप लोग h square is equal to p square plus b square h square is equal to p का वैल्यू कितना √3 का square plus b का वैल्यू कितना 1 का square √3 का square कितना 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट मींस ये कितना हो गया 4 वैल्यू ऑफ h स्क्वायर हमें फाइंड क्या करना है h स्क्वायर या h h का वैल्यू तो h अगर फाइंड कर रहे होंगे तो √4 हो जाएगा अगर √4 हो रहा है तो दैट मींस ये किसके इक्वल होगा 2 के अब मैं एक बार फिर से बता देती हूं जो बच्चे न्यू है इस चैनल पर 2 * 2 4 एंड 2 1s are 2 ये हम फाइंड करते हैं अगर रूट फाइंड कर रहे तो नंबर कितना बार रिपीटेशन में होना चाहिए 2 टाइम और उसको हम कंसिडर कितना बार करते हैं एक बार अगर मान लीजिए यहां 4 नहीं होता 16 होता और इसे कहा जाता कि रूट फाइंड करो आप लोग तो कैसे फाइंड करते 2 8 2 जा 16 होता है ठीक है 8 2 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 अभी हमें क्या फाइंड करना 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना दैट मींस दो बार 2 है ना उसको एक बार कंसिडर करो यहां दो बार 2 को एक बार कंसिडर करो और लिखो 2 अगेन 2 टाइम्स है फिर नीचे वाला भी 2 उसको कंसिडर करो एक बार 2 तो अभी कितना हो गया 2 * 2 is 4 तो ये बनेगा √16 का स्क्वायर अगर कोई पूछता है क्या होगा तो ये होगा 4 ठीक चलो क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं बहुत हो गया रूट रूट ये वैल्यू आती है h की 2 cos theta होता क्या है फॉर्मूला b by h b is 1 and h is 2 sin theta is equal to p by h p is √3 और h is 2 cos square theta cos theta का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 1/2 अब आप इसका स्क्वायर करो by 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का भी वैल्यू हमें पता है √3/2 और इसका स्क्वायर बस अब बचा क्या है 1 माइनस 2 2 जा 4 दैट मींस 1/4 बाय 2 माइनस √3 * √3 इज 3 एंड 2 का स्क्वायर है तो ये हो गया 4 ठीक है अब यहां डायरेक्ट लिखो एलसीएम लेना है यहां पर तो 4 माइनस 1 मैं डायरेक्ट कर रही हूं अब इसको और यहां कितना है 1 है तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और 1 के टेबल में 4 कितना टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में आता है और ऊपर कितना न्यूमरेटर में 2 दैट मींस 4 * 2 8 माइनस 3 ये कितना होगा वैल्यू 5/4 4 माइनस 1 इज 3 3/4 और ये वैल्यू कितनी आई थी इसको सॉल्व करने पर 5/4 यहां आप लोग लिख लो 5/4 और इसको करो हटाओ 4 4 कैंसिल 3/5 ठीक है और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा और ट्रस्ट मी गाइस ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को कंपटीशन एग्जाम्स में मिलेंगे तो पहले ना मैं थोड़ा सा ट्रिक से इस क्वेश्चन को बता देती हूँ उसके बाद प्रोसेस बताऊंगी ठीक है हमें फाइंड क्या करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय
tan square theta, ठीक है, यही फाइंड करना है हमें। तो अगर मुझे बोला जाए इसका वैल्यू क्या है ना, तो मैं एक बार में क्या करूंगी, 2 का स्क्वायर करूंगी और माइनस 2 कर दूंगी। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज 2 और ये बनेगा मेरा आंसर, ठीक है। तो ये था एक शॉर्टकट सा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का। अब मैं इसका प्रोसेस बताऊंगी, जिसको इस क्वेश्चन को लिखना है लिख लो आप इस तरीके से भी, फिर मैं डिटेल में बताती हूँ। लिख लो पहले, हो गया। चलो क्वेश्चन में है tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हमें जो फाइंड करना है, एक बार उसके तरफ भी देखो, ये क्या है, tan का स्क्वायर है और यहां भी tan का क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है। दैट मीन्स इतना तो समझ में आ रहा, इस पार्ट का हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करना। तो पूरे का क्या कर लो आप लोग, स्क्वायर कर लो, और यहां भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ये एक फॉर्मूला पे आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इज tan थीटा और b का जो वैल्यू है वो 1 बाय tan थीटा है, ठीक है। इसको बस आप पुट करो क्वेश्चन में, क्या होगा इसका फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही होता है ना। तो tan का स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टैन का स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए का वैल्यू टैन थीटा, बी का वैल्यू 1 बाई टैन थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, यही है यहां पर, ठीक है, 2 का स्क्वायर इज 4। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से टैन थीटा, यहां से टैन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इन सब के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहां भी डॉट है। तो आरएचएस का 4 और एलएचएस का प्लस 2, अगर आरएचएस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, दैट मीन्स 4 माइनस 2 इज 2। और ये रहा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, जो हम ट्रिक से भी फाइंड किए थे तो 2 ही आया था, और मेथड से भी फाइंड कर रहे तो 2 आ रहा है। लेकिन एग्जाम में हमें मेथड वाइज चलना है, क्योंकि हमें स्टेप मार्किंग भी मिलती है, ट्रिक से नहीं चलना है, ट्रिक्स फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऑल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्रूफ रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाइसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मॉन्स्टर वाला क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि आ गया है रूट, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस बहुत इजी है। देखो कैसे करना है, सेम हम लोग अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही चलेंगे, कुछ भी हो जाए। एक ट्राइंगल बना लो आप लोग, नेमिंग कर लो ए बी सी जैसे करते आए हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी इज 3 और एच इज 4, ठीक है। बेस फाइंड कर लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मत पूछना यार कि 9 कहां से आ गया विथ माइनस साइन, ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर, और अगर ये एलएचएस में जाएगा तो दिस विल बी माइनस। तो ये वैल्यू कितना होगा सब्सट्रैक्ट होने पर, 7 विद अंडर रूट इज इक्वल टू बी, यहां डाल लो आप लोग वैल्यू अंडर रूट 7। वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा होता क्या है, एच बाई पी, एच का वैल्यू कितना 4 और पी का वैल्यू कितना 3। देन कॉट थीटा, कॉट थीटा पी बाई बी इज टैन, तो दैट मीन्स b by p, b is root 7, p is 3. Next, sec theta, sec theta is equal to h by b, h is 4. बस अब इस इन वैल्यूज को लो और इस क्वेश्चन में डाल दो, अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा by sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. cosec square theta, that means 4 4s are 16,
3 3 are 9, यहां मैं डायरेक्टली स्क्वेयरिंग कर दे रही हूं, 16 बाई 9 वैल्यू बस पुट कर दो, 16 बाई 9 माइनस क्वार्टर स्क्वायर थीटा का कितना 7 बाई 9 बाई सेक स्क्वायर थीटा 4 बाई 7 सॉरी 16 बाई 7 माइनस 1 विथ अंडर रूट साइन, ये आएगा 9, 6 में से 7 गया 9, 9 बाई 9 इज 1 एंड बाय 16 माइनस 7 इज 9 बाई 7, ये लगा लो अंडर रूट, ठीक है। सिंपल इतना चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी, कैलकुलेशन किया हमें बस 1 बाई 9 बाई 7, यहां पर मैं क्या था डिनोमिनेटर में बाई 7 था, ऊपर अगर कैंसिल आउट हो रहा तो ये वैल्यू कितना 1, तो 1 बाई और ये 9 बाई 7 हमने ऐसे रखा तो ये कहां जाएगा 7, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और रूट एज इट इज तो ये हो जाएगा रूट 7 और बाई 3, रूट 9 का जो वैल्यू होता है ना अगर हम इसको स्क्वायर करते तो ये इक्वल टू 3 आता है। तो यही हमें प्रूफ करना था, देखो आरएचएस में यही वैल्यू रूट 7 बाई 3 और हमारा एलएचएस भी रूट 7 बाई 3, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड रूट 7 बाई 3 इज इक्वल टू एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप कुछ सीख भी रहे होंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं 7 बजे से 9 बजे तक हमारे टेलीग्राम इंस्टा और फेसबुक चैनल पर, ठीक है। और अगर आपके अपने पर्सनल डाउट्स भी हो जिसको आप कोई चैप्टर्स कर रहे हो और इस चैप्टर के साथ साथ अगर उससे भी रिलेटेड कुछ डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अभी आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन फ्लैश होंगी, आप उसको जरूर सॉल्व करें, तो उसके आंसर्स हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, तो आप जाके वहां उसको चेक करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि लोग और भी सीख पाए इससे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस।